नामांकन के अंतिम दिन पीएम मोदी समेत 134 ने भरा पर्चा। सातवें चरण में अब तक 317 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 134 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किए। देवरिया में 2, कुशीनगर व बासगांव में 5-5, सलेमपुर व चंदौली में 6-6, घोसी व गाजीपुर में 7-7, महाराजगंज व बलिया में 9-9, गोरखपुर व रॉबर्टगंज में 16-16, मिर्जापुर में 19 और वाराणसी में सर्वाधिक 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। सातवें चरण की 13 सीटों के लिए अब तक 317 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 134 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस कड़ी में देवरिया में 2, कुशीनगर व बासगांव में 5-5, सलेमपुर व चंदौली में 6-6, घोसी व गाजीपुर में 7-7, महाराजगंज व बलिया में 9-9, गोरखपुर व रॉबर्ट्सगंज में 16-16, मिर्जापुर में 19 और वाराणसी में सर्वाधिक 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। सातवें चरण की 13 सीटों के लिए अब तक 317 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। वहीं बीते 6 चरणों की 67 सीटों के लिए 706 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। इनमें 4 चरणों की चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वहीं दुधी विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अब तक 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सातवें चरण के लिए नामांकन पत्रों की संख्या 15 मई की जाएगी। 17 मई तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मतदान 1 जून को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन के अंतिम दिन 27 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी, पीस पार्टी से परवेज कादिर खान, इंडियन नेशनल समाज पार्टी से सुनील कुमार, जनहित किसान पार्टी से विजय नंदन, गांधीयन पीपुल्स पार्टी यशवंत कुमार गुप्ता, राष्ट्र उदय पार्टी से सुरेश पाल, मानवीय भारत पार्टी से हेमंत कुमार यादव, मौलिक अधिकार पार्टी से संतोष शर्मा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हरप्रीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र नारायण सिंह, लोक पार्टी से विनय कुमार त्रिपाठी, वंचित इंसाफ पार्टी से वेदपाल शास्त्री, निर्दलीय प्रत्याशियों में श्याम सुंदर, सुरेंद्र रेड्डी, पिल्लाकुरु अमित कुमार, नित्यानंद पांडे, विक्रम कुमार वर्मा, राम कुमार जायसवाल, नरसिंह, संदीप त्रिपाठी, अशोक कुमार पांडे, अजीत कुमार जायसवाल, नेहा जायसवाल, रीना राय, दिनेश कुमार यादव, तुषार मित्तल व योगेश कुमार शर्मा शामिल हैं। वहीं महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से 9, कुशीनगर से 5, देवरिया से 2, बासगांव सीट के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। घोसी विधानसभा सीट के लिए अंतिम 2 दिन 7वें पर्चे दाखिल हुए। सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए 6, बलिया से 9 पर्चे भरे गए। गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम दिन 7, चंदौली में 6 नामांकन दाखिल हुए। मिर्जापुर लोकसभा सीट के लिए अंतिम दिन 19 और रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से मुनिया, समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार, अपना दल से पिंकी सिंह सहित अन्य ने पर्चे भरे।